तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे शॉकवेंस से, जो कि आराम से ना वाइगोंग के सामने बैठा था, क्योंकि वाइगोंग ने बुला लिया था और वाइगोंग कहता है सुन मेरी बात, मेरे को ऐसा खबर यहाँ पर है कि तू ड्यूटी के बीच में दारू पी रहा था, एक नाइट वॉचर की ड्यूटी के दौरान। दारू पीना एक बुरी बात होती है, तू ऐसा नहीं कर सकता, तूने बहुत ही अच्छे काम किए लेकिन सच्ची में बहुत ही बुरे बुरे काम भी करता है यार। जितना तू कोठे पर जाता है ना उतना कोई और कोठे पर जाता ही नहीं होगा। हमारा मैं कहता सोचता है बाकियों को कोई उतना देता ही नहीं होगा। तुम बताओ दुनिया में कोई ऐसा लड़का होगा जिसको 9 के 9 रुपए फ्री में देने को तैयार है? जाहिर सी बात है नहीं, लेकिन मुझे देने को तैयार, इसलिए मैं तो यहाँ पे जाते रहता हूँ। वाइगोंग ये भी कहते हैं कि दुनिया में बदले लोग ना कई बार अपनी आदत सुधार भी सकते हैं और सुधार भी लेना चाहिए, तू भी अपनी आदत यहाँ पे सुधार लेना। हमारा मैं कहता है कि हाँ यार मैं अपनी आदत यहाँ पे सुधार लूंगा, मुझे बुलाया तो काय को ये बताओ। तो वाइगोंग ना एक लेटर निकाल के देता है और कहता भाई लेटर आया है हमारे एक बंदे की ओर से, तुझे मालूम है क्या करना है, वो जो एरिया ना उस एरिया में जाना है, ये वही एरिया जिस एरिया में लुटे लोग रहते हैं और जिस एरिया में अपना सेकंड नंबर का भी बंदा यहाँ पे रहता है, तुझे उस एरिया के अंदर यहाँ पे जाना है। रही बात क्यों तुझे यहाँ पे जाना है, क्योंकि खबर यहाँ पर आई है कोई बंदा है उस एरिया का, कोई कमाल का हाई लेवल का बंदा जो मालूम है क्या करता है, गुंडे लोग के साथ यहाँ पे मिला हुआ है। गुंडे लोग ने मिलिट्री का सप्लाई यहाँ पे देता है, इंश्योर जो गुंडे जो लुटेरे ना उनको सपोर्ट भी करता है, और हमारे काम ने लुटेरे लोग को सपोर्ट ना करना, उनको दूर रखना, उनको बर्बाद करना। लेकिन ये जो मिनिस्टर यहाँ पर है ना चोरी चुपके से किए जा रहे किए जा रहे किए जा रहे बस किए जा रहे हैं। हमारा मेन कट अभी देखते यस मुझे याद है जब नंबर 2 के साथ यहाँ पे बातचीत कर रहा था ना, उसने बोला भी था कि जो लुटेरे लोग हैं उनको मारना उनको भगाना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि वो लोग गुंडे लोग का क्या है, छोटे मोटे वेपन कुछ रहेगा लेकिन इनके पास छोटे मोटे वेपन नहीं हाई लेवल के वेपन रहते हैं, जैसे कि कोई बड़ा बंदा है जो पीछे पीछे से सपोर्ट कर रहा है, जो क्यू आर पार्टी के लोग हमारे महल के कहीं उसी पार्टी का कोई मिनिस्टर तो नहीं ना है जो मिला हुआ है। वाइगोंग ये भी कहता है जिस बंदे ने लेटर यहाँ पे भेजा है ना हमने उस बंदे के बारे में पता करने की कोशिश की, मर गया वो बंदा, सबूत नाम की कोई चीज ही नहीं मिले किसने मारा कैसे मारा। पक्का है ना वही जो मिनिस्टर लोग या फिर जो भी बुरी पार्टी है ना उनको आइडिया लग गया कि इसने सबूत हमारे खिलाफ दे दिया तो रस्ते में उसको मिटा दिया है। तेरा काम है ना सबूत पता कर कि भाई किसने जहाँ से मारा है। जो मेन मिशन है ना वो जीएन का यहाँ पर है, तू भी साथ में यहाँ पे जा रहा है ताकि तुझे भी एसपीएस से मिले। इससे पहले जो भी केसेस तूने सोल्व किया ना हमारे सिटी में रह के किया है, लेकिन अभी दूसरे एरिया में जाके करने को रहेगा ताकि तुझे भी एसपीएस से मिले। हमारा मेन कहता हूँ कि ठीक है मैं समझ गया, लेकिन आपको भी मैं एक छोटी सी एडवाइस यहाँ पे देना चाहूँगा, जो मसाला मैंने आपको दिया था ना लग रहा है कि आप मसाले में कुछ मतलब कुछ ज़्यादा ही मसाला मिलाते हो, कम मसाला यहाँ पे मिलाओ, क्योंकि ज़्यादा मसाला खाने से ना आदमी लोग की जो प्यास है ना प्यास यहाँ पे बढ़ जाती है। और मैं पानी वाली प्यास के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जिसमें की प्यास के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर एक बार आपको जिसमें की प्यास लग गई आप बुझा भी नहीं सकते, क्योंकि आप यूँ चो ना आपके पास तो है ही नहीं। मनी मन सोचता मैं जैसे आया ना इन्होंने मुझे बहुत ही डांटा था कि भाई कोठे पे जाता है दारू पीता है, तो मैंने भी इनकी कह के ले ली। तो वाइगोंग को भी गुस्सा आता है, वो भी कहता निकल जाए यहाँ से, तो ये भी कहता बाय बाय मैं चला, अरे यार कल यूँ जू एरिया में जाना है तो मुझे अपना सामान भी पैक करना पड़ेगा। इसके बाद ना अपने घर पर आता है और घर पर आने के बाद ना वही बहनों को और आंटी को बताता है कि ऐसी ऐसी बातें कल ना यूँ जू एरिया के लिए निकल जाऊंगा। तो आंटी भी कहती है अरे यार एरिया ना मतलब ठंडी वाला एरिया होता है बहुत ही ठंड होती है, एक काम कर अपना 3-4 स्वेटर यहाँ पे ले लेना ताकि ठंड यहाँ पे ना लगे। तो सुन रहा है ना मैं तेरे साथ यहाँ पे बातचीत कर रही हूँ। हमारा मैं कहता भी कहता है या सुन भी रहा हूँ जो जो से बोल के मेरा कान मत दुखा दो। आंटी को बुरा लगता है, गुस्सा आ जाता है कि अरे यार एक तो इसकी भलाई के लिए बात की जा रही हूँ और ये उल्टा मेरे ऊपर ही चिल्लाया जा रहा है। शौक वैन मनी मन सोचता है दिल्ली से यार वहाँ पे बड़ी ठंडी होती है, मुझे ठंडी सहने का बहुत ही एक्सपीरियंस है, उसके मुकाबले यहाँ की ठंडी कुछ भी यहाँ पे नहीं है। सच्ची में दिल्ली से नहीं था, चाइना में भी नाम 2 एरिया है और एक एरिया पूरा गर्मी गर्मी ज़्यादा कर रहा था, एक एरिया में ठंडी ठंडी रहती है, और ये ठंडी वाले एरिया में पहले रहता था, यानी ठंडी सहने का ना मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। यहाँ की जो ठंड ना मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, यानी अंकल आंटी से तो मिल लिया अब जाके कोठे वाली से मिलता है। उसको कहते सुनो ना यार मैं ना कल यूं जू में चल जाऊँगा, एक छोटा सा केस है वो निपटाने के लिए, आने में टाइम लगेगा तो सोचा जब तक के लिए तुमसे यहाँ पे मिल लूँ। ये भी कहते क्या यूं जू मैंने सुना वहाँ पे लुटेरे लोग बहुत ही रहते हैं, संभल के रहिएगा। ये भी कहते यार संभल के रहूँगा देखना मुझे कुछ भी नहीं होगा। वो भी कहते जब से आए ना जब से भाई उसी के बारे में बात किए जा रहे हैं, खाली बातचीत करने आए या कुछ और करने आए हैं? शौक वैन कहते करने को तो बहुत कुछ यहाँ पर आए हो, चलो चालू पड़ जाते हैं। तो लिटाई दोनों चालू पड़ जाते हैं, फिर यहाँ का जैसे काम हो जाता है ना उस सेट में जाके वाई से यहाँ पे मिलता है, वाई को बताता है ऐसी ऐसी बातें चलो मेरे साथ। वो भी कहते हैं तुम्हारे साथ यूं जू आना है, देखो ऐसी बात नहीं कि मुझे लूट ए लोग से डर लगता है, लेकिन मुझे पब्लिक के लिए ठीक है नेसेंस यहाँ पे बनाना ताकि पब्लिक को ज़्यादा अच्छा लगे और मुझे ज़्यादा अच्छा फीडबैक दें और ताकि जितना जल्दी मेरा लेवल अप हो जाए, तो अभी के लिए मैं उसी पे काम करी हूँ, तुम्हारे साथ नहीं आ सकती, आई एम सॉरी। तो शौक भी लाइक अरे यार सेठ की कोई मेंबर साथ में रहेगा ना तो मजा आ जाएगा, और वाइस से अच्छी कोई और हो ही नहीं सकता क्योंकि मुझे शादी करने का भी शौक यहाँ पर है। मैंने कई बार सुना लड़का लड़की साथ में ट्रैवल करते हैं प्यार हो जाता है शादी हो जाती है, लेकिन यार ये तो मना यहाँ पे की जा रही है ला मुझे
दे दे। उसका चिकन एसेस का बोटा चोरी करके भागने लग जाता। वाई भी लाइक कमीने मुझे दे दे। हमारे शॉक क्वीन कहते ना 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 आके लेके दिखाओ। तो बाद में आई डोंट नो उसको वापस लौटाता है या नहीं लौटाता। ये बड़ के प्रिंसेस से भी मिलने आ जाता कि आखिरी बार उनको भी अलविदा बोल दूँ, लेकिन गार्ड आनीच नहीं देते और कहते नहीं भाई बड़ के तुमसे मिलने ही नहीं चाहती। हमारा शॉक क्वीन भी लाइक मगर क्यों यार, मैंने ऐसा क्या बिगाड़ दिया वो जो मुझसे मिलने ही नहीं चाहती। वो अभी तक नाराज है कि भाई सेकंड वाली को दे दिया और मेरे को यहाँ पे मसाले नहीं दिया और मुंह फुला के बैठ हुई है और नहीं मिलती शॉक क्वीन से, एंड में भी नहीं मिलती। जब बड़की वाली नहीं मिलती तो सोचते चलो भाई सेकंड वाली से जाके मिल लेता हूँ। और सेकंड वाली को सुने एडवाइस दिया था ना कि अपना जो घर है नहीं परिया सिटी में वहाँ पर रहने लगना, तो वहीं पर रहने आ जाती है। वो कहती वाह यार यहाँ पर आके मजा आ गया, हालांकि यहाँ पे भी थोड़ा सा बोरिंग लगता है लेकिन चलेगा, इतना तो चलेगा, महल के मुकाबले तो काफी ठीक है। बोलो तुमको क्या काम है, क्या आए हो? हमारा शॉक क्वीन कहते क्या ना जो यूं जू है ना मैं उस एरिया में जा रहा हूँ छोटे से केस को लेकर, तो आने में टाइम लगेगा तो मैं जब तक आपसे मिल नहीं पाऊंगा तो अलविदा। इतना बोल के वहाँ से ना निकल जाता है। तो सेकंड प्रिंसेस भी लाइक रिया इसने एडवाइस दिया कि अपने घर में आकर रहने लगो, मैं अपने घर में यहाँ पे आ गई तो मुझे लगा ये शायद रोज मुझसे मिलने आएगा, रोज हम मिलकर खेलेंगे, कहानियाँ मुझे सुनाएगा, लेकिन क्या ये तो जा रहा है, यानी यहाँ पे आने का पूरा मेरा मेहनत तो पानी में चल गया। और बड़ी सैड होकर बैठ जाती है, इतना सैड कि आंखों से आंसू आने ही वाले थे। हमारा शॉक क्वीन भी देख लेता कि अरे यार ये कमीनी बड़ी सैड यहाँ पे लग रही है, अकेला अकेला लग रही है, मैं जाके हल्का सा एंटरटेन कर देता हूँ। तो आगे आता और कहता है चेस का गेम खेलना चाहोगी क्या? वो कहते ना यार मुझे खेलना पसंद नहीं है। हमारे में कटे भी लाइक बुद्धू कहीं कि स्मार्ट लोग यहाँ पे खेलते हैं तो जाहिर सी बात इसको नहीं आएगा। चलो एक दूसरा गेम तुमको यहाँ पे बताता हूँ, बैग गोलम खेलोगी क्या? ये भी कहती बैग गोलम ये कौन सा गेम होता है? हमारा शॉक क्वीन कहता है मैं तुमको सिखा देता हूँ, मेरे जाने के बाद ना नौकरानी लोग के साथ खेलना मजा आएगा, चेस जैसा गेम यहाँ पे था लेकिन इसमें कम दिमाग लगता है। वो सिखाता और बात बात उसको हरा देता है, उसको भी गुस्सा आ जाता है यार मुझे यहाँ पे जीतना है। और फाइनली एक राउंड यहाँ पे जीत जाती है, जो कि हमारे शॉक क्वीन ने जानबूझ के उसको यहाँ पे जिताया था। तो बड़ी खुशी यहाँ पे थी। हमारे मैं कहता देखता भी चेस हो जाए, लूडो हो जाए, कैरम हो जाए या फिर बैग गोलम हो जाए, ये गेम ऐसा नहीं कि बंदे दो तीन घंटे खेलने के बाद ना बोर हो जाते, लेकिन ये बुद्धू कहीं की ये आराम से दो चार दिन एक दो हफ्ता खेल लेगी, ये बोर वगैरह बिल्कुल भी होने वाली नहीं है। अच्छा एंटरटेनमेंट इसको करा दिया। फिर सामने से सेकंड कहती यार पोयम इतना अच्छा बोलते हो, दिमाग इतना चलता है, इतने सारे गेम चिकन एसेंस यार क्या क्या करते हो यार, याद है तुमने उस दिन एक पोयम बोला था वो आधे अधूरे पे तुमने छोड़ दिया था, बाकी अधूरा तुमने लिखा क्या? हमारा शॉक क्वीन कहता बाकी अधूरा नहीं यार मैंने कुछ लिखा नहीं। ये कहते लेकिन जो पहला लाइन यहाँ पे था ना कसम से पहले लाइन में मजा आ जाता है, और पहले लाइन का मतलब है ना नदी नाव सुंदर नजारे को रिप्रेजेंट करता है। तो ये भी कहते किसी दिन सुंदर आसपास नजारा हो, नदी में नाव ऊपर मैं लेटी यहाँ पे रहूं और नजारा यहाँ पे देखूं, आय हाय मजा आ जाएगा, काश मुझे कभी ये एक्सपीरियंस करने का मौका मिले। तभी हमारा शॉक क्वीन पूछता कि मुझे एक बात बताओ यार तुमने बड़की को बोला क्या कि मैंने तुमको वो मसाला यहाँ पे दिया है? वो भी कहते नहीं मैंने तो नहीं बोला है। हमारे शॉक क्वीन कहता सच्ची में आई डोंट नो यार मुझे लगता क्यों कि तुम झूठ बोले जा रही हो। फिर शाम का टाइम भी हो जाता है, हमारा शॉक क्वीन भी लाइक शिट यार ये तो शाम का टाइम यहाँ पर हो गया, मुझे पता भी यहाँ पे नहीं चला, अब लगता मुझे यहाँ से जाना चाहिए क्या? सेकंड वाली कहती है बाद में जाना भाई, अब कहाँ जाओगे, एक काम करो और मेरे साथ यार यहाँ वहाँ थोड़ा सा घूमने लग जाते हैं। तो गार्डन में घूमने लग जाते हैं और गार्डन में ध्यान जाता है कि एक छोटा सा तालाब भी है और तालाब में एक नाव भी है। अरे यार अभी अभी बात कर रही थी ना कि भाई इसको नदी में आराम से बैठना, आसपास सुंदर सा नज़ारा और ऊपर से पानी के अंदर, तो इससे बढ़िया क्या ही हो सकता है। इसलिए कहते सुनो मैडम मेरे पास एक कमाल का आइडिया, उस नाव में बैठ के हल्का सा घूम लेते हैं। और चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।